हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फिर से आज का ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग कुछ अलग सा होने वाला है। जैसे कि आज हमारे ब्लॉग में आपको देखने मिलेंगे हमारे कोलकाता के 10 ऐसे मोस्ट पॉइंट जहां पे लोग घूमने के लिए जाना चाहेंगे, और काफ़ी ही पॉपुलर पॉइंट है वहाँ पर। और मैं इस वक्त अपने छत पर हूँ और यहाँ से इंट्रो कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं हमारे भी छत का कुछ उस पॉपुलर पॉइंट से कुछ कम नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ से एक्समो फेयर और ITC सोनार बांग्ला हर कुछ दिख जाते हैं, जैसे कि मैं भी दिख रहा हूँ बहुत ख़राब सा। अब आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये है साइंस सिटी दोस्तों, बहुत ही अच्छी प्लेस है। यहाँ घूमने फिरने हमेशा छुट्टियों में मैं आया करता हूँ। तो आप भी अगर बोर हो रहे हो, घर पे बैठे हो या फिर हॉलीडे में हो, तो अपने परिवार बच्चों किसी के साथ भी आ जाओ। हर तरह के पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे मस्ती और बहुत सस्ते दामों में। और चाहो तो अपने गर्लफ्रेंड को भी ला सकते हो, है ना मज़े की बात। तो ITC सोनार बांग्ला देख सकते हैं दोस्तों, ये ITC सोनार बांग्ला है। और बड़ी बड़ी इमारतें और बहुत सारे इंजॉय करने का पॉइंट है, बड़े बड़े होटल है। और ये बाइक वाले मेरे से शायद रेस लड़ा रहे हैं और मैं इनको पीछा करने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये मैंने पीछा कर दिया। और ये बाइक वाले झूम झूम कर बाइक चला रहे हैं, चलो कोई नहीं चला लो भाई, हाईवे है, थोड़ा संभल कर। और ये देख लीजिए बड़ी बड़ी इमारतें, और यहाँ पे बाइक चलाने की मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। जैसे कि मैं इस वक्त इंजॉय कर रहा हूँ, आप अगर इंजॉय करना चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे बड़े बड़े होटलें हैं, लेकिन ये अमीर लोगों की होटलें हैं, गरीबों की नहीं हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें और छोटे लोगों के बड़े सपने। सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं। वो कहते हैं ना दोस्त, जब जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए, तभी तो जेब भर जाने के बाद उन सपने को पूरा किया जा सकता है मेरे भाई। ये है बाईपास ढाबा, खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही मज़े की जगह है जो लोग रोड लवर हैं, यानी कि बाइकर हैं। वो यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खाने पीने के भी मिल जाएंगे, और बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे मस्तियाँ और बहुत सारे कैफ़े भी यहाँ पे मौजूद है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे कॉफ़ी का भी इंजॉय ले सकते हो, और हाईवे का मज़ा जैसे कि देख सकते हो। और ये प्यारा सा एक झील है, और यहाँ पे एक साइड में लवर पॉइंट भी है दोस्तों। तो ज़रा संभल के, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे आने के बाद। और ये देख लो, हाईवे भी है यहाँ पे, और देख सकते हो बहुत खूबसूरत नज़ारा। होए होए क्या बात है, ताक रही हो, झांक रही हो। और देख सकते हो दोस्तों, ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे लोग फुटपाथ में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और अपने पेट को पालते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को बेच कर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस वक्त, अपने गर्लफ्रेंड को चाहो तो यहाँ पे गिफ्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसे कहते हैं चीनी मिट्टी की बनावटी, हैंडमेड होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख सकते हो दोस्तों। और ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी है। तो मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर जाऊँगा। पहले हमारी धन्नो को देख लीजिए, बहुत प्यारा सा मायूस खड़े हैं, चलो इसे चलाते हैं। और ये है सॉल्ट लेक सिटी सेंटर 214 और सॉल्ट लेक सेक्टर 5, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टेक्नोपोलिस और भी बहुत कुछ, और इको पार्क और एक्वाटिका, सारा का सारा रास्ता इधर से ही जाता है। तो दोस्तों, बाइक का मज़ा लेते हुए मैं इंजॉय कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। एक्वाटिका के और निको पार्क सभी इस रास्ते में पड़ेंगे, और न्यू टाउन जिसे कहते हैं विश्व बांग्ला सैलानी इसी रास्ते में पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, अभी क्लाइमेट बाकी है। ये है फैंसी नगरिया, तू देख बबुआ, हेडफोन चार्जर मोबाइल की डगरिया, तू देख बबुआ। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे कोलकाता के मोस्ट फेमस फैंसी मार्केट खिदिरपुर के इलेक्ट्रॉनिक से जाने जाते हैं। यहाँ पे हर तरह के आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड गैजेट मिल जाएंगे। कल के चैनल को लाइक मिल जाए। और ये है पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन, ठीक आप ब्रिज के सबवे से नीचे जाएंगे और आपको मिल जाएगी ट्रेन,
बम्बई से रेल चली यानी कि कोलकाता से, और ये है पार्क सर्कस के 4 नंबर ब्रिज। बहुत ही डेंजर क्रॉसिंग है क्योंकि लोग यहाँ पे किसी के सुनते नहीं, मानते नहीं, सिग्नल अपनी मर्जी से चलती है और लोग अपनी मर्जी से। और ये है हमारे कोलकाता के क्वाइस्ट मॉल, जो कि बहुत ही एक फेमस मॉल है और काफ़ी मिसाल है इनके, हर लोग इसे जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर मॉल है क्वाइस्ट मॉल। और वैसे तो यहाँ पे विक्रम और बाला के बाद अब दो ही लोगों के नाम से जाना जाता है, एक जैसा कि पंजाबी का तड़का और दूसरा तोपसिया और पाक सर्कस का लड़का, तो थोड़ा बच के भाई। मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब लगता है मुझे लोग चप्पल जूते फेंकने वाले हैं। भगवान। तो दोस्तों, मैंने आज आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, आप लोगों के डिमांड पे कोलकाता के बहुत सारे शेयर किए हैं, बहुत सारे लोकेशन को कैप्चर किए हैं अपने गोप्रो में, पर हमारी बैड लक ये थी कि हमारी बदनसीबी ये थी कि हमारे गोप्रो के बैटरी लो हो चुके थे और मैं 3 पॉइंट्स हमारे बाकी रह गए हैं। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में जितना आप लोगों से बताऊँगा, जितना आप लोगों को कहूँगा, उतना मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा और करता भी हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो पे बहुत सारा मेहनत किया है और मैं चाहता था कि इस वीडियो के तह तक जाकर आप लोगों को इनसाइट का भी कुछ ऐसा लोकेशन दिखा पाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थे, बहुत ज़्यादा क्राउड थे। तो मैंने ओवरऑल जैसा कि आउटसाइड से दिखाने की कोशिश किए हैं, बाकी आप लोग वहाँ पे अगर आओगे तो वाकई में ये एरियाज जो है, जो हमने अपनी वीडियोस में मेंशन किए, बहुत ही खूबसूरत तारीफ़ काबिल है, तो वहाँ पे आ सकते हो दोस्तों। और मैं भी बहुत थक चुका हूँ और मैं अपने घर पे आ गए हैं, अपने गोप्रो को भी चार्ज करूँगा और अपने मोबाइल को भी चार्ज करूँगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, स्क्रॉल मत करना, वैसे कर सकते हो, कोई बात नहीं है, किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट फ्राइडे।